लिहाजा टीम ए और टीम सी के माबैन टाई हो चुका है। आपसे मजीद सवाल पूछे जाएंगे, सवालों का ताल्लुक आम सा होगा, बड़ा आसान सा होगा, लेकिन वो बजर राउंड पर हम वो उसे रखेंगे। जिस तरह से बजर राउंड के मुकाबले में हमने बजर बजाने पर आपको आपसे जवाब लिए थे, वैसे ही हम जवाब लेंगे। सवाल को बड़े ध्यान से सुनना है, क्योंकि जिस टीम ने पहला जवाब दे दिया वही टीम फातह करार पाएगी, और अगर आपने गलत जवाब दिया तो आपके -10 हो जाएंगे, तो वैसे ही आप हार जाएंगे। अगर मिसाल के तौर पर आपने बजर बजाया और आप जवाब नहीं दे पाए तो आप ये मुकाबला हार जाएंगे, दूसरी टीम को ऑटोमेटिकली 10 नंबर्स दे दिए जाएंगे। ठीक है, तो सवाल को बड़े ध्यान से सुनना है, सवाल बड़ा आसान सा है। ये बताइएगा कि पाकिस्तान के वाहिद नायब सदर कौन है? जी टीम सी। जी अगर आप जवाब दे, अमीनुल हक। अमीनुल हक अभी वजीर आईटी के मिनिस्टर हैं, लेकिन आप करीब करीब हैं, आप करीब करीब हैं, आधा आपने ठीक कहा है। अमीनुल हक तो अभी आईटी के मिनिस्टर है ना, उनके नाम में भी अमीन आता है, जो पाकिस्तान के वाहिद नायब सदर गुजरे उनके नाम में भी। जवाब गलत हुए तो फिर ये नहीं, अभी तो हम उनको वक्त दे रहे हैं ना, पर यही इन्हीं के नाम से मंसूब था। चले आपको एक नाम बता दें, ये हम इसे ठीक मान सकते हैं इस जवाब को? है आधा जवाब दिया है, हम इसे ठीक नहीं, ये थे अमीनुल हक आपने जवाब दिया, ये थे नूरुल अमीन। चले एक अगला सवाल आपसे, एक शेर पढ़ूंगा, आधा मिसरा मैं पढ़ूंगा, अगला मिसरा एक मिसरा मैं पढ़ूंगा, अगला मिसरा आपने पढ़ना है। ये बताइएगा कि सौदागरी नहीं ये इबादत खुदा की है। जी टीम ए। ए बेखबर अब अजर की तमन्ना भी छोड़ दे। बेखबर अजर की तमन्ना भी छोड़ दे, बिल्कुल ठीक जवाब। और इसी के साथ आज के मुकाबले की जो फातह टीम है वो है टीम ए। बहुत बहुत मुबारक।